हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सिर्फ 5 साल से और हर इदारा इस मुल्क पर बनाया, कानून भी बनाया, गरीबों के लिए हकूक दिलवाया, किसानों को हकूक दिलवाया, मजदूरों को हकूक दिलवाया। अगर कोई लेबर राइट्स है, अगर कोई एग्रीकल्चर राइट्स है, अगर कोई स्टेटस को हिला दिया है, उल्टा दिया था, वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी हिस्ट्री बनाई थी। उन्होंने जब औरत को कोई जगह नहीं मिल रही थी इस सोसाइटी में, उसने वज़ीर आज़म हाउस से लेकर हर मुल्की इदारे में उनके रसाई मुमकिन बनाई थी। उन्होंने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, हमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम को रोशन किया था। सदर ज़रदारी के दौर में हमने सी पैक का बुनियाद रखा, हमने 18वीं तमीम जो शहीद बीबी की पूरी ज़िंदगी की सियासी जदोजहद थी उसको हमने बनाया था। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ जिस की इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया था, जो ख़वातीन को इस कंट्री के लिए फर्स्ट एंड ओनली सोशल सेफ्टी नेट है। और मैं जानता हूँ कि उस वक्त जब हम 2013 के इलेक्शंस में जाते थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे, मीडिया इतना हॉस्टाइल बन गया था, जजेस इतना हॉस्टाइल थे कि आपने हमें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अभी लोग कहते हैं कि आपने इतने सारे काम किया। मैं मुल्तान में जा रहा हूँ, हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ लोग कहते हैं कि आपके दौर में ये बना, आपके दौर में ये काम हुआ, इस दौर में सिर्फ और सिर्फ ये मेट्रो बना और इस मेट्रो में भी कोई लोग जाते ही नहीं है। तो अगर अवाम के मसाइल को हमने हल करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे आना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाना है। अभी भी लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ कि सिंध में हाँ हमने शोबाजी नहीं की, मगर हमने स्पेसिफाई करके टारगेट करके इंकलाबी काम किए, चाहे वो हमारा कनाल्स का लाइनिंग हो, जो ये अर्बन एलीट को इसके समझ में नहीं आएंगे कि हमारा 1800 किलोमीटर का लाइनिंग हुआ है सिंध के कनाल्स। इसका जो इम्पैक्ट होता है आम आदमी का, रूरल आदमी का, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, जब हम पानी का बचत करते हैं, इसलिए आप सब जानते हैं कि वाटर स्कैसिटी पाकिस्तान के लिए, पूरा पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला है। इस लाइनिंग की वजह से सो मच ऑफ सिंध एग्रीकल्चरल लैंड इज बेनिफिटिंग। अभी भी हमारे पास पानी का कमी का मसला है, लेकिन हमने ये इनकलाबी कदम उठाया है। हमने इस हेल्थ सेक्टर में, जहाँ पूरे पाकिस्तान में हर साल 200,000 पाकिस्तानी डाई ऑफ हार्ट रिलेटेड इलनेस, तो पीपल्स पार्टी ने सिंध में कराची का NICVD बिल्कुल मुफ्त करार देकर उसको पूरा साउथ एशिया का सबसे बड़ा दिल का हॉस्पिटल बना दिया। और हम नून लीग की तरह, PTI की तरह सिर्फ एक शहर पर फोकस नहीं करते हैं। हमने NICVD के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के दिल के हॉस्पिटल सखर, सेवन, हैदराबाद, कंदो मोहम्मद खान और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हमने बनाए हैं, जहां 100% मुफ्त इलाज होता। सब पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किया था, मगर वो ये नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सिंध में अपना सूबाई प्रोग्राम चला रहे हैं गुर्बत का खात्मा के लिए। उस प्रोग्राम के तहत हम गरीब तरीन औरतें को बिना सूद कर्जे दे रहे हैं, ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो एम्पावर हो जाए, वो माईशत में, सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर सके। और इस प्रोग्राम के तहत आज तक हमने 6 लाख खानदान को सिंध में, 6 लाख खवातीन को गुर्बत से निकाला है। ये कोई दिस इज नॉट सम स्मॉल फीट। मीडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है, हमारा कुठाइयों दिखाते रहते हैं, जो मगर जो हमारा इनकलाबी कामयाबी है वो दिखाते नहीं है। इस किस्म के बहुत सारे और स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स है। मैं मैटरनल मोर्टैलिटी रेट का जिक्र करना चाहता हूँ।
सिंध में हमारा मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट हो या मैटरनल मोर्टैलिटी रेट हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला था। इसको टैकल करने के लिए हमने ये प्रायोरिटाइज किया कि अगर हम माँ को हेल्थी कर देते हैं, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट को कम कर सकते हैं, तो इस पूरा सिस्टम पर फर्क पड़ेगा। पिछले 5 साल से सिंध हुकूमत, जॉन हॉपकिंस और USAID मिलकर मैटरनल मोर्टैलिटी रेट पर काम कर रहे हैं सिंध, और हमने पिछले 5 साल में हमारा मैटरनल मोर्टैलिटी रेट 50% कम किया है। 2013 में सिंध वाज़ द सेकंड वर्स्ट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ मैटरनल मोर्टैलिटी रेट। टुडे एज ऑफ नाउ सिंध हैज़ द बेस्ट मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, द लोएस्ट मैटरनल मोर्टैलिटी रेट आउट ऑफ ऑल 4 provinces इन पाकिस्तान। एंड दिस इज नॉट माय स्टैटिस्टिक्स, दिस इज नॉट द गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्टैटिस्टिक्स, दिस इज USAID के स्टैटिस्टिक्स। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम के असल मसाइल होते हैं, पानी का मसाइल हो, गुर्बत हो, रोजगार हो, तालीम हो, सेहत हो, ये अवाम के असल मसाइल है। अवाम को कोई गर्ज नहीं है कि किसको क्यों निकाला, अवाम अपने मसाइल का हल चाहती है। और हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम के मसाइल हल कर सकती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्लीज वन बाई वन दोस्त, पानी के हवाले से आपने बात की कि पानी एक संजीदा मसला है। बिलावल साहब, इस मुल्क में जब भी कालाबाग डैम की बात आती है तो सिंध की जानब से कुछ तहफ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, जबकि आप भी जो ज़खायर के माहरीन हैं, इंजीनियर्स, उनका ख्याल है कि अगर कालाबाग डैम्स में दीगर डैम्स ना बनाए गए तो ये संजीदा मसला संजीदगी की तरफ जाएगा और मुल्क को एक एक बूंद की जो है ना इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अमूमन होता ये है कि पीपल्स पार्टी की आपने कहा है कि सिंध की तरफ से, ये सिर्फ सिंध की तरफ से नहीं आता है, खैर पख्तूनख्वा की तरफ से भी आता है। और हमारा पोजीशन ये है कि इन किस्म के इनिशिएटिव्स लेने के लिए आपने कंसेंसस बनाना है। आपका पूरा केस इंडिया के खिलाफ क्या है कि वो आपको पानी रोक रहे हैं, आपका अपस्ट्रीम पानी रोक रहे हैं, अब वही इंटरनेशनल कानून साइड कर रहे हैं उनको। अगर आप अपना मुल्क में उन कानून को फॉलो नहीं करेंगे, उन रवायात को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप इंडिया को क्या कहेंगे? सेकंड पॉइंट के टेक्निकलिटी की बुनियाद पर आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के आए जो आपको बताएंगे कि इसका नुकसान अगर ये आप मिलके नहीं करेंगे किस किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है आपको। ये सिर्फ नारा लगाना और आप, इट्स नॉट दैट इजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एनवायरनमेंट। अभी तक आज भी आप पूछे कि हमारा सी इरोजन सिंध में कितने हो रहा है, हमारा थत्ता और बदीन का कितना जमीन ओशन ने खाया है। एंड वाटर स्कैसिटी इज नॉट जस्ट एन इशू ऑफ सिंध, इट इज एन इशू ऑफ पंजाब, इट इज एन इशू ऑफ साउथ पंजाब। अभी भी इस्लामाबाद में भी वो पानी के लिए तरस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो मीठा पानी होता था वो खराब हो गया है, कहते हैं कि 2025 में हमारे पास पानी नहीं होगा। तो अगर हम इसमें कंसेंसस नहीं बना सकते हैं, अगर CCI में न्यू लीग हमेशा रुकावट बनता है और कंसेंसस नहीं बनने देता, तो इस मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। तो ये प्रोविंसेस की इश्यू की बात नहीं है, दिस वी हैव टू, यू हैव टू, अगर आप इंडिया को कुछ और चीज कह रहे हो और पाकिस्तान में कुछ और चीज कह रहे हो, तो उसका नुकसान ही होगा। थैंक यू। पाकिस्तान पीस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें खासतौर साउदर्न पंजाब में जो मरहूमी है इसकी, इसको दूर करने के लिए, और अभी एक और अभी जो इलेक्शन थे सेनेट में, इसमें पाकिस्तान पीस पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त दी, क्या आइंदा आने वाले इलेक्शन में ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान पीस पार्टी बातों से इदा करके मुस्लिम लीग नवाज को हमेशा के लिए आउट कर दो? मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज तो खत्म हो गया है, नून नवाज हमेशा के लिए बाहर हो गया है, अभी इट्स मुस्लिम लीग शी। और 2018 के इलेक्शन में अभी तक मेरा ये पोजीशन है कि हमने मुस्लिम लीग शीन के खिलाफ भी लड़ना है और PTI के खिलाफ भी लड़ना है। और इसकी वजह ये है कि उनका उम्मीदवार अलग होंगे मगर उनकी सियासत, उनकी मईशत, उनकी नजरिया, उनकी मैनिफेस्टो एक है। अब एक को निकाल के दूसरे ले आके वही पॉलिसीज होंगे,
the Pakistan People's Party ye wahid alternative hai jo ek progressive show tak pura man khushhal aur tarakki pasand Pakistan aam aadmi ka Pakistan ek Pakistan jahan aurat ho ya mard gair muslim ho ya muslim sab ke liye wo bhi huquq ho wo bhi system ho wo bhi institution ho aur equal opportunity ho aur wo sirf aur sirf Pakistan People's Party ye cheez le aa sakti इस चीज से सानिया मॉडल टाउन पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस किया सर आप क्या कहेंगे सानिया मॉडल टाउन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों भी काफी देर से इसका इश्यू उठा रहे हैं मैं समझता हूँ कि ये पहले होना चाहिए था लेकिन अभी हो गया है तो पूरे मुल्क उम्मीद रखते हैं कि सानिया मॉडल टाउन के शहीदों को इंसाफ मिलेगा साहब मुल्क में एक साफ का अमल जो है उस पर कुछ लोगों को तहफात हैं फैसला खिलाफ आता है वो अपने तहफात का इजहार करता है आप मौजूदा एहतसाब के निजाम को किस नजर से देखते हैं और समझते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ एहतसाब का अमल जारी है उसे मुकम्मल किया जाना चाहिए देखिए ये आपके लिए बहुत आसान होगा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हु इज जेन्युइन एंड हु इज डिसइंजेन्युइस हु स्टांस इज चेंज्ड just when they had cases against them and who is always maintaining the same stance Pakistan People's Party ka stance hamesha se ye raha ke hamara jo accountability nizam hai is mulk ke wo flawed hai uske liye tabdili lana padega usme behtri lane padenge ye Pakistan People's Party pehle bhi keh rahi thi aaj bhi keh rahi hai aur kal bhi kahega hamare daur mein jo humne koshish kiya karne ke liye उसने उस वक्त मुखालफत की फिर जब हम अपोजिशन में खड़े होकर जो हमने अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की उसका मुखालफत की उन्होंने 18th अमेंडमेंट को अंडरमाइन किया जो हमने सूबाई सतह पर जो हमारा हक है हमारा अपना कानून जो हमारे अपने एग्जाम्पल बनाने चाहते थे उसको भी सैबोटेज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा निजाम चाहती है जहां सब पाकिस्तानी के लिए एक कानून हो नून लीग के लिए डीआईपी एहतसाब नहीं हो और बाकी पाकिस्तानी के लिए अलग एहतसाब नहीं हो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो कोई सीक्रेट पावर ना हो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोजिशन है अंकल اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسیب چینل کی جانب سے طاہر احمد خان صاحب اور سی او عمر صاحب کی طرف سے پہلے تو پیپل سیکٹریٹ کے اس قیام میں یقیناً جنوبی پنجاب کی وہ مسائل انشاءاللہ بحل ہوں گے کیونکہ آپ کی صورت میں لوگ بینظیر بھٹو شہید کو اپنے درمیان موجود پائیں گے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو انتھک میں اور ان دوستوں کا جن کا عبدالقادر شاہین راؤ ساجد اور دیگر لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں जिन्होंने इस जगह पीपल्स पार्टी को जिंदा रखा सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि यहाँ के चेयरमैन पीपल्स चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि आवाम को गर्ज नहीं कि किसको क्यों निकाला आवाम मसाइल का हल चाहती है लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को चुन चुन कर दबा किया है और ये रोजगार पैदा करना ये सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं अगर हम इन सेक्टर्स जैसे हमने फोकस किया है जैसे हमने उसको मदद किया था जैसे हमने टेक्सटाइल सेक्टर को